अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? हमारा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और यहाँ मैं आई थी अम्मी के घर, तो भाभी, आपी और सिस्टर छोटी सब तीनों मिलकर प्रिपरेशन कर रही थी इफ्तार की। तो यहाँ बना रही हैं भाभी आलू के समोसे, और ये बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। तो मेरे तो फेवरेट है आलू के समोसे। मुझे चिकन से ज़्यादा आलू के समोसे पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से समोसे पसंद है। तो भाभी यहाँ आलू के समोसे प्रिपेयर कर रही थी, और ये मेरी शहजादी खेल ली है माशाल्लाह से माशाल्लाह। और यहाँ सिस्टर दही बड़े बना रही थी, तो उसके भल्ले तैयार कर रही थी। और ये दही बड़े तैयार हो चुके हैं, अब वो मैगी के पकौड़े बनाएंगी। और ये मैगी के पकोड़े बना रही हैं सिस्टर। इसकी रेसिपी उनके चैनल पे हैगी, शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा किचन इन हैदराबाद। नहीं किया हुआ तो उनका चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ छोटी सिस्टर फ्रूट की प्लेटें बना रही थी। और ये आपने दही बड़े बना लिए, देखें इसके फाइनल लुक बहुत मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी भी आप ही के चैनल पे है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये मैगी के पकौड़े, ये इसकी फाइनल लुक। और ये ऐसे मज़े के बने थे जैसे चिकन के पकोड़े होते हैं ना, चिकन के कीमे के पकोड़े, इस तरह से बने थे। बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत मज़े के थे। और ये आलू के समोसे मेरे फेवरेट। तो ये है आज की हमारी इफ्तारी, और ये वक्त होता है दुआ की कबूलियत का। तो अपने लिए दुआ की क्या कीजिए, अपने वालदेन के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे वालदेन को दराजी उम्र बिल खैर दे, हर आफत व बलाओं से महफूज रखे, जिनकी औलाद नहीं है उन्हें नेक साले औलाद दे, हर तरह की आफत व बलाओं से हम सबको दूर रखे। तो ये है डिनर टाइम, और डिनर में आप ही ने बनाया था कोफ्तों का सालन, और भाभी ने बनाए थे चावल। और करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे हम। खाने से फारिक होकर हम लोग सो गए थे, तो ये सेहरी का टाइम है, और यहाँ सेहरी बना रही थी भाभी और आपी मिलके दोनों। और यहाँ हम सब बैठ के सेहरी कर रहे हैं,
तो कैसा लगा आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।